तो कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत 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 स्वागत है। तो आज है छठ पूजा का तीसरा दिन, शाम वाला अर्घ जो हम लोग कहते हैं वो है आज। तो आज मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में आज दिन भर हमारे घर में क्या होता है, कैसे छठ की तैयारियां की जाती हैं, क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, किस तरह से डाला सजाया जाता है, क्या क्या प्रसाद बनते हैं, हर चीज़ दिखाऊंगी और अपने साथ घाट पर भी ले चलूंगी ताकि आप लोग भी मेरे यहाँ का छठ एंजॉय कर सके। अगर आप बिहार से हो तब तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे कि छठ किस तरह से मनाया जाता है, बट हर एक क्षेत्र का अलग अलग छठ होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, लेट्स गो। ये एक बार मोती बनाई थी तो हम मम्मी और मम्मी दोनों मिलकर प्रसाद बना रहे थे। से उठी थी मैं तो से यहाँ पे पहुँच पाई प्रसाद बनाने के लिए। उससे पहले मम्मी और भाभी सवेरे से उठी ना तो नवला कर चुकी थी। देखिए सारा प्रसाद बन चुका है और अब ये घर साफ होगा, उसके बाद यहाँ बाहर साफ किया जाएगा, फिर यहाँ पे डाला सजाया जाएगा, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए फाइनल टच दिया जा रहा है घर को साफ सफाई करके। ये देखो दो लोग ऊपर से देख रहे हैं डाला सजते हुए। क्या कर रही है तुम लोग, तैयार नहीं होना है? जल्दी जल्दी तैयार हो, चलना भी है ना, तुम चलेगी ना लक्की? हाँ जाओ तैयार हो, टाइम हो गया। ये आंटी का फाइनल लुक, आंटी रेडी है पूरी तरीके से।
घर की परंपरा खत्म ना हो। Yeah.
इधर से आ जाइए ना। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मैं आगे भी ब्लॉग्स बनाती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू सो मच।